सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आप लोग का दोस्त एनकेबी, और स्वागत है एक नए वीडियो में। तो कुछ एक महीने पहले और लास्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग लाइक दिस। तो बस 30 दिन हुए, तो आज में मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग और मैं क्या क्या करता हूँ वेट लूज करने के लिए दिखाऊंगा। सुबह उठते मैं, ये गर्म पानी है और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, तो ये मिला के पीऊँगा। तो गाइज, अभी सुबह हो रहा है और ये रहा हमारा जैकी। तो अभी हम लोग वॉक करने निकलेंगे। चलो क्या होता है कि ऐसे सुबह सुबह वॉक करने निकलने से हमारा हमारा माइंड जो है वो एक्टिव भी हो जाता है और डेली स्टेप्स भी पूरा हो जाता है। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा हो रहा है लगभग 91 स्टेप्स ओनली। तो लेट्स सी, एटलीस्ट 5000 स्टेप करके आज घर लूटूंगा मैं। सो गाइज, अभी थोड़ा बहुत धूप भी निकल आया और मौसम भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हर तरफ हरा भरा। तो क्या होता है कि हम लोग सुबह जब उठते हैं ना, तो उठते ही हम लोग ये मोबाइल वोबाइल चलाने लग जाते हैं, आजकल के टीनेजर्स। तो मेरा भी ऐसा कुछ आदत था, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लिया बहुत, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्ट्रेस फ्री रहता है माइंड, रात को नींद जल्दी आ जाता है। और ये देखो सनलाइट में कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो इतना विंटर की सुबह सनलाइट में ऐसे वॉक करते हो तो ग्रीनरी देखते हो, तब आँखों में अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। आप लोग भी सुबह आधा घंटा या 10 मिनट ट्राई करिए वॉक करने की। ये देख सकते हो आप इसको, ये एरिया जी भी है। चलो अभी घर चले जाएंगे। सो गाइज, अभी वॉक करके एक पूरा राउंड लगा लिया और ऑलमोस्ट मेरे पारा में आ गया। अभी जेकी भी बहुत ही एक्टिव है, मेरे साथ साथ वॉक करता है, लेकिन इसका एक दिक्कत है कि ये काफ़ी डरपोक है। तो बाकी कुत्ते इसको जब अटैक करने आता है ना, तो ये क्या करता है कि उनके सामने जा ऐसे लेट जाता है, ये सोचता है कि इसके साथ ये खेलेगा, लेकिन उसमें मार पड़ती है उसके बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा डॉग लाने के लिए जो उसको हेल्प करे मारना खाने में, तो कौन सा डॉग होगा जो इसे बचा पाए, आप लोग कमेंट करके बता देना। सो गाइज, अभी लगभग आ गए घर। तो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल होम, और ये पिंक वाले जो फूल वाले पेड़ है, ये घर के अंदर चारों तरफ लगाया जाए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, अभी इसमें चलते हैं। तो आ जाओ जैकी, आ जाओ। तो अभी करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट, क्योंकि आ चुके हैं घर। सो हे गाइस, अभी आ चुके घर और टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ये रहा मेरा खाना। तो आई विल बी हैविंग 3 अंडे खाऊंगा और एक फुल एग, और इधर मेरे पापा खा रहे हैं। पापा क्या खा रहे हैं देख लो, पापा फ्राई अंडे खा रहे हैं और मैं बॉयल अंडे खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी खाएंगे। और इनका जो मैक्रोज है वो मैं हेल्दी फाइमी में कैलकुलेट करके नीचे डाल दूंगा, आप लोग थोड़ा वो देख लेना। अरे मेरा मम्मी है, पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल पाती है, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खाना खा लेता हूँ अभी। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई का खाना हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो अभी हम जाएंगे जिम, वर्कआउट करने नहीं, ऐसे ही टाइम पास करने थोड़ा बहुत चले जाएंगे, चलते हैं जिम। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ अपना जिम वाले गली में। और सो गाइस, वी आर राइट नाउ एट द जिम, एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो बेस्ट एब्स वर्कआउट, जिससे मेरा एब्स काफ़ी ठीक हो गया पहले से। सो द बेस्ट वर्कआउट इज रोप एब क्रंचेस। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग अपना एब्स जो है वो फील नहीं कर पाते इस एक्सरसाइज में, तो इसमें एक ट्रिक है कि आप लोग जब ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो अपर सेक्शन है इसे थोड़ा बेंड कर देंगे, तो आपका एब एंगेजमेंट फील होगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा एब्स को स्क्वीज करके क्रंच कर सकते हो, और जो ब्रीदिंग होगा ना, तो आप जब क्रंच ऐसे करोगे ना तो ब्रीथ इन कर लेंगे ऐसे, तो
तो ऐसा करने से आपका धीरे धीरे जो माइंड मसल कनेक्शन है वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आपका एप्स को बेहतर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे, जिससे उधर मसल बिल्ड होगी। तो लोग ज़्यादातर क्या करते रहते हैं कि वो लोग मतलब फ्री क्रंचेस लगाते रहते हैं, लेग रेस लगाते रहते हैं, लेकिन आप लोग आपका एब्स भी एक मसल है, तो आप लोग अगर उसे वेट से ट्रेन करोगे तो उसका थिकनेस बढ़ेगी, हाइपरट्रॉफी होगा। तो ये वाला ट्राई करना और आप लोग बता देना कमेंट में कि कैसा रिजल्ट है आप लोगों को। सो गाइज, वी आर डन विथ टुडेज वर्कआउट और काफ़ी टायर्डिंग लग रहा है और अभी चलते हैं घर। सो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ जिम से घर। घर आके दिस इज माई सेकेंड मील जो होने वाला है व्हे प्रोटीन। तो मेरा सेकेंड मील में व्हे प्रोटीन लेता हूँ हमेशा। तो मैं एक्चुअली बाकी दिन तो कॉलेज चला जाता हूँ, कॉलेज में लेके चला जाता हूँ, तो कॉलेज में सेकेंड मील करता हूँ मैं व्हे प्रोटीन। लगभग 11 बजे कर लेता हूँ मैं अपना सेकेंड मील, क्योंकि मेरा फास्ट मील होता है अराउंड 8 o'clock और सेकेंड मील 11, और 1:30 बजे मैं कर लेता हूँ अपना लंच। तो अगर तुम्हें मुझे डेली व्लॉग्स देखना है मेरा, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं यूट्यूब में डेली व्लॉग्स छोड़ने का कोशिश किया था लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर देट। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उधर तुम्हें मेरा डेली तुम्हारा भाई का डेली लाइफ का अपडेट मिलता रहेगा, तो उधर भी ज्वाइन कर लो। सो ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर आवर तीसरा मील जो कि होने वाला है ऑब्वियसली चिकन राइस दही और अंडा। रियली लाइक दिस मील ए लॉट। उसमें एक आलू भी है फॉर सम एक्स्ट्रा कार्ब्स। तो आप लोगों को पता है जो लोग बंगाली है वो लोग आलू डालते हैं चिकन में, मैं मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो अभी मैं ये वाला मील खा लेता हूँ जल्दी से, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे लगी है काफ़ी ज़ोर से भूख। गाइस, ऑलमोस्ट खाना कंप्लीट है, तो अभी पूरा ख़त्म करते हैं और बाकी का काम दिखाते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। सो गाइस, राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक ऑन माय आईपैड। तो ये वाला बुक है एनिमल न्यूट्रिशन बाय मैकडोनाल्ड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग को बस जिम जाना है, खाना है, सोना है, उठना है, ये सब नहीं करना है बस। तो अगर तुम ऐसा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि तुम बस जिम जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, देन यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ डम्ब। ओके, तो पढ़ाई भी करना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर है तो पढ़ाई करना चाहिए, तो इससे नॉलेज मिल बढ़ सकती है। जैसे मेरा ये वाला बुक है एनिमल न्यूट्रिशन का, और भी बुक्स है मेरे पास, मैं दिखाता आप लोग को। ये रहा माइक्रोबायोलॉजी बुक है मेरे पास एक, और एक मेरे पास ये है पैथोलॉजी का एक किताब है। तो मैं जब फ्री टाइम में ऐसा पता नहीं खोल क्यों नहीं रहा, तो मैं फ्री टाइम में ऐसे कुछ किताब्स है ये सब पढ़ लेता हूँ मेरा आईपैड में। तो ये रहा मेरा वो वाला बुक मैं जो जिसकी बात कर रहा था। तो ओके गाइस, तो कभी कभार पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। और आज सैटरडे और मंडे को मेरा बायोकेमिस्ट्री एग्ज़ाम है और मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। वेल, देखता हूँ तब तक क्या प्रिपेयर हो पाता है कि नहीं। तो अभी बायोकेमिस्ट्री वाला बुक का भी PDF ढूंढना है। चलो। सो गाइस, इधर मेरा बहन अभी तैयार हो रही है अपने मिक्स मार्शल आर्ट क्लास के लिए, और इसे मैंने कल सिखाया था शू कैसे बांधते, तो वो सीख लिया। तुम्हारा भाई भी कुछ लगा लिया ऐसा। चलते हैं, पापा के साथ जाएंगे हम लोग। पापा ही है मेरा, एलन का जैकेट लगा लिया, कोई बात नहीं। तो गाइस, अभी हम लोग इधर आ चुके हैं कॉलेज स्टेडियम में, तो सब लोग खेल रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो अभी सामने दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए घर। घर आते अभी बज रहे 5:09, एंड अभी जिम का तैयारी करना है, तो हमें चाहिए क्विक डाइजेस्टिंग वाला प्री वर्कआउट मील, जिसके लिए मैं लूँगा ओनली 2 slices वाइट ब्रेड। तो अभी खाते और तैयार होते। Hey guys, अभी हम लोग जिम जाएंगे, तो जिम जाने से पहले हमको बनाना है प्री वर्कआउट ड्रिंक। तो ये दिखा रहा हूँ कैसे बनाता हूँ। तो मैं ये ले रहा हूँ एल कार्निटिन प्रो, जिसमें 3000 mg एल कार्निटिन है। तो ये 5 ml का कैप आता है, तो इसमें लूँगा 5 ml। तो पानी में डाल दिया 5 ml एल कार्निटिन, और अभी मैं डालूँगा
इसमें थोड़ा पिंक हिमालयन सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट डाल दूंगा और इसे मिक्स करके पी जाऊंगा अभी। एंड वी आर रेडी टू गो। चीयर्स। मैं और पिनाकू हम अभी विजय का वेट कर रहे हैं, पता नहीं आधा घंटा हो गया ना। आधा घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहा है। फाइनली आ गया है। रोड क्रॉस करना नहीं आता इसको, ये टकरा जाता है। रुको रुको, हम लोग जिम में आ गए। अभी इधर डिसाइड हो रहा है कौन प्लेट लगाएगा। तो गाइस अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको रोमेनियन डेडलिफ्ट का फॉर्म। तो इसमें बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि उनको उनका जो हैमस्ट्रिंग होता है वो फील नहीं होता। तो रोमेनियन डेडलिफ्ट करने का मेन प्रिंसिपल जो है ना वो है हिप हिंज। तो हमारा जो हिप होता है हमको बेसिकली ऐसे बेंड करना होता है। तो मैं एक्सरसाइज में आपको दिखा रहा हूँ। तो साइड से जब हमें लेना है ना तो पहले हम लोग स्लैक को पुल कर लेंगे, फिर खींचेंगे। तो अभी मेन जो है हिप हिंज हमारा। तो हिप हिंज जो हमें करना है ना, तो आपका जो ग्लूट्स है ग्लूट्स को जितना पीछे हो सके इतना खींचना है और हैमस्ट्रिंग के बारे में माइंड में इमेजिन करना है और ऐसे पुश करना है। तो फिर ग्लूट्स से ऐसे पुश करना है। अभी हमारा वर्कआउट हो चुका है खत्म। मेरा वॉइस थोड़ा डाउन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ये मेरा अभी का कंडीशन। तो बस एक महीने हुए हम काट कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे वाले महीने में क्या हो सकता है। तो अभी घर जाके बाकी बात करेंगे। एनर्जी काफ़ी लो फील हो रहा है वैसे। चलो सो गाइस फाइनली आ गए हम घर। इधर मेरा बहन बैठी हुई है, इधर मम्मी भी आ गई। तो अभी खाना वाना खाएंगे, काफ़ी ज़ोर से भूख लगी और मेरा मुंह देख के पता लग गया होगा कि मैं कितना हंगरी हूँ अभी। माँ देव खाओ। तो गाइस ये रहा हमारा किचन और इधर फटाफट दिखा देता हूँ, चिकन राइस अंडे दही सेम सेम दोपहर में जो खाया वही खा रहा हूँ। तो अभी फटाफट खा लेता हूँ और कैमरे में भी ज़्यादा चार्ज नहीं है तो ज़्यादा माइंड मत करना, उसके बाद मिलते हैं अगले मील में। फटाफट खा लेता हूँ, आ गया मेरा खाना। अभी हम लोग निकल गए वॉक करने अंधेरे में। अभी बस डिनर किया, डिनर करके हम लोग वॉक करने निकल गए। तो क्या होता है कि डिनर करने के बाद अगर आप लोग ऐसे गली वली में या फिर घर के आसपास ही थोड़ा बहुत वॉक करते हो तो आपका जो खाना है वो भी डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है। तो आप लोग मेरा वीडियो देख के समझ जाओगे कि मैं वॉक करना काफ़ी पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं वो काफ़ी पसंद करता हूँ, पसंद तो करता हूँ, पर फिर भी ये हेल्थ के लिए अच्छा है ना। तो मुझे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, तो बस इसलिए करता रहता हूँ मैं। तो अभी थोड़ा वॉक कर लेते हैं और चले जाएंगे घर। तो गाइज इट्स टाइम फॉर लास्ट मील ऑफ द डे, जो कि है मेरा शेक। तो इसमें मैं या 3 ग्राम क्रिएटिन लूंगा, ये रहा मेरा क्रिएटिन, और इधर मैं लूंगा अपना वे प्रोटीन। ओके, मैं वे प्रोटीन आइसोलेट प्रेफर करता हूँ क्योंकि स्टोमक में थोड़ा पतला पड़ता है ना, इसलिए। तो इसका शेक बना के पी जाता हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं कुछ सप्लीमेंट्स है इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लोग ये वाले सप्लीमेंट्स ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, आप लोग मत इग्नोर करना और मैं भी नहीं करता हूँ इग्नोर। दीज आर सम इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट जिनके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक ओमेगा 3 हो गया, ये रहा मैग्नीशियम, और एक है मल्टीविटामिन। तो इन सप्लीमेंट्स और ये रहा यूनियन जाइम मतलब प्रोबायोटिक्स। तो ये सब आप लोग आपके डाइट में ऐड किया करिए तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा और तुम्हारा बाइक का भी।
कंडीशन देख ही सकते हो। तो तुम्हारे भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल पे बने रहिए और भाई का वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए अगला क्या वीडियो लाओ। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।